नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं कि ये फ्रांसीसी किस तरीके से भारत में स्थापित होते होते रह गए। फ्रांसीसी भी भारत को गुलाम बनाना चाहते थे, भारत पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। किस वजह से फ्रांसीसी अंग्रेजों से हारे, क्यों हारे, इन फ्रांसीसियों का कमजोरी क्या था, इन सभी बातों पर आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं। तो फ्रांसीसियों का जो ये जर्नी है, ये शुरू होता है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच के युद्ध का, जो ये जर्नी है ये शुरू भारत में ना होकर के यूरोप में। ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, जैसा संबंध आज हमारा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है, उससे भी खतरनाक संबंध अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ रहा था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, इस पर मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं कहानी सुना रहा हूं भारत के इतिहास का, तो भारत के इतिहास के इर्द गिर्द ही मुझे रहना है। तो मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है और इस युद्ध का अंत निर्णय हमें मिलता है सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से, 7 सालों तक चलने वाले युद्ध की वजह से, और उसी का कहीं ना कहीं प्रभाव भारत में इन फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का भी दिख रहा था। इन दोनों का ऐसा कट्टर दुश्मनी था कि जहां एक दूसरे को देखते थे एक दूसरे पर हमला करने के लिए उतारू हो जाते थे। उसी बीच 1740 का दौर चल रहा था, मुगल सल्तनत के एक बड़े ओहदे के मंत्री थे निजाम आसफ जाह, जो मुगलों से अलग होकर के अपना स्वतंत्र हैदराबाद स्थापित कर चुके थे। इस हैदराबाद में उस वक्त का कोरोमंडल कोस्ट, तंजोर, मदुरई, त्रावणकोर, ये सभी एरिया शामिल होता करता था। एक तरफ तो इन फ्रांसीसियों का अंग्रेजों के साथ युद्ध ऑस्ट्रिया में चल ही रहा था, यूरोप में चल ही रहा था, उसका प्रभाव हमें भारत में दिखने लगता है। भारत में इन फ्रांसीसियों का जो पहला युद्ध हुआ उसे हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ कार्नेटिक, कार्नेटिक का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। सवाल है इसे कार्नेटिक क्यों कहा गया, तो कोरोमंडल कोस्ट की वजह से यूरोपियंस ने इस साउथ की जगह को, इस कोरोमंडल कोस्ट को कार्नेटिक नाम दिया था। 1740 में ये युद्ध शुरू होगा और 1748 यानी 1748 में जाकर के खत्म होगा। हुआ कैसे, इसके पीछे का तात्कालिक कारण क्या था, तो इस कारण को समझते हैं। जो ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, अंग्रेज उसका दुश्मनी, उसका गुस्सा भारत में भी फ्रांसीसियों के साथ निकालना चाह रहे थे। इसके लिए वो भारत में फ्रांसीसियों पर आक्रमण करना चाह रहे थे, लेकिन फ्रांसीसी उस वक्त कमजोर थे और अंग्रेज काफी ताकतवर हो रखे थे, इसलिए फ्रांसीसी भारत में इस युद्ध को नहीं खींचना चाह रहे थे, लेकिन अंग्रेज पीछे पड़े हुए थे और अंततः अंग्रेज फ्रांसीसी जहाज को सीज कर लेते। एक अंग्रेजी अधिकारी था बार्नेट, बार्नेट ने फ्रांसीसी जहाज को सीज कर लिया, कब्जा कर लिया उस पर। तो आप निसंदेह फ्रांसीसियों को भी जवाब देना था, फ्रांसीसियों ने जवाब दिया और फ्रांसीसियों ने क्या किया कि मद्रास को कब्जा कर लिया, मसूलीपट्टनम के आसपास का जो एरिया था उधर भी हमला करना चाह रहे थे, लेकिन मद्रास को वो कब्जा कर लेते हैं और ये कब्जा करने के बाद दोनों में आमने सामने का युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध का नतीजा हमें मिलता है 1748 में, जब ट्रीटी हुआ एक्स ला चैपेल की संधि हुआ। उस संधि में हमें इन दोनों के बीच के युद्ध का परिणाम दिखता है। इस संधि के तहत यह तय हुआ कि मद्रास, जो जिस पर कि फ्रांसीसियों ने कब्जा कर रखा है, वो अंग्रेजों को वापस लौटा देंगे और नॉर्थ अमेरिका, जिसे आज हम सभी कनाडा के नाम से जानते हैं, वो अंग्रेज फ्रांसीसियों को लौटा देंगे। इस तरीके से इस युद्ध में एक अल्प विराम लगता हुआ हमें दिखता है कि किस तरीके से ये दोनों रुक गए वहां पर। इस युद्ध के दरमियान एक और छोटा सा युद्ध हमें दिखता है, जिसे हम लोग बोलते हैं
संत थोमे का युद्ध, बैटल ऑफ संत थोमे, जो कि मद्रास में हुआ था। ये युद्ध एक तरफ फ्रांसीसी थे और फ्रांसीसियों के कैप्टन थे पैराडाइज, और एक तरफ अनुरुद्दीन जो कि उस वक्त के कर्नाटक के नवाब थे। इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है और इस युद्ध में नवाब हारा जाता है, फ्रांसीसी जीत जाते हैं, और ये भारतीय इतिहास के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहां पर हम भारत के सभी लोगों को और भारत के राजे रजवाड़ों को एक बात तो समझ में आ गया कि भारत की बड़ी सेना भी यूरोपीय के छोटी सेनाओं के सामने फीकी पड़ जाती है। इन यूरोपियन सेनाओं का मदद लेने का कोशिश करो, इनसे दोस्ती बनाने की कोशिश करो, और इसी वजह से सारे के सारे भारतीय राजे रजवाड़े अब यूरोपीय शक्ति की तरफ झुकने लगे, उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू करते हैं, और इसी वजह से दूसरे कर्नाटक युद्ध का नौबत आता है। और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ वो हुआ 1749 से 54 के बीच में। इस युद्ध का बैकग्राउंड था डुप्ले, एक फ्रांसीसी गवर्नर, बहुत ही हुनरमंद व्यक्ति था, इसमें कोई संदेह नहीं, और इतना हुनरमंद था कि डुप्ले के वापस फ्रांस जाने की वजह से ही फ्रांसीसी कमजोर हो गए। अगर डुप्ले भारत में टिक गया होता तो अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने के बजाय ये फ्रांस ही भारत पर कब्जा कर लिए होते हैं। तो ये कहानी जो शुरू होता है दूसरे कर्नाटक युद्ध का, ये एक राजनीतिक कारण की वजह से होता है। कारण क्या था? कारण था निजाम उल मुल्क का मृत्यु। ये निजाम उल मुल्क हैदराबाद के संस्थापक थे। निजाम उल मुल्क का जब उम्र अधिक हो गया था, उनका बीमार चल रहे थे, तो सियासत में ये बात चलने लगी थी कि अब इसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, और इसी के तहत यहां पर जो सियासत गर्मा रखा था हैदराबाद में, 1748 में जैसे ही निजाम का मृत्यु होता है सियासत और भयावह होने लगता है। तो ये कहानी शुरू होता है हैदराबाद के निजाम की वजह से और कर्नाटक के नवाब की वजह से। हैदराबाद का निजाम, निजाम उल मुल्क जो कि हैदराबाद का संस्थापक था, वो बीमार चल रहा था, और उधर सियासत हैदराबाद की गर्माई हुई थी कि इस निजाम के मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा। निजाम उल मुल्क का मृत्यु 1748 में हो जाता है, और उसी वक्त गद्दी पर बैठने के लिए आगे आ जाते हैं निजाम उल मुल्क के बेटे नासिर जंग। 1748 में निजाम उल मुल्क का मृत्यु हो जाता है और गद्दी पर बैठ जाते हैं नासिर जंग। नासिर जंग जैसे ही गद्दी पर बैठे, वैसे ही निजाम उल मुल्क का पोता मुजफ्फर जंग, वो बोलता है कि मैं इसका, इस गद्दी का असली हकदार हूं, क्योंकि मुगलों ने मुझे अधिकार दिया है हैदराबाद के गद्दी पर बैठने के लिए, और इस हैदराबाद की गद्दी की वजह से निजाम उल मुल्क और निजाम उल मुल्क के बेटे और उसके पोते दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। यानी यूं कह ले कि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। ये दोनों यूरोपीय शक्ति का सहारा लेना चाह रहे थे, और यूरोपियन पावर भी भारत के राजनीति में इन्वॉल्व होने के लिए किसी ना किसी राजे रजवाड़े के लिए काम करने को आतुर थे, उनकी मदद करने के लिए आतुर थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम इनका मदद करेंगे तो बदले में हमें अधिकार मिलेगा, हमें क्षेत्र मिलेगा। तो ये यूरोपीय शक्ति अपने स्वार्थ के लिए भारत के राजे रजवाड़ों के युद्ध में बहुत अधिक बढ़ चढ़ कर भाग लिया करना शुरू कर दिए थे। नासिर जंग के मदद को अंग्रेज आ जाते हैं और मुजफ्फर जंग के मदद को फ्रांसीसी आ जाते हैं। एक इधर युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ कर्नाटक का युद्ध। जब मराठों ने चंदा साहब को रिलीज किया तो उस वक्त गद्दी पर बैठा हुआ था अनुरुद्दीन। चंदा साहब पहुंचते ही अनुरुद्दीन को बोलता है कि तुम गद्दी खाली करो, क्योंकि नवाब बनने का अधिकार मेरे पास है, और इस वजह से इन दोनों में भी युद्ध छिड़ गया। अनुरुद्दीन का सहारा मिला अंग्रेजों को, यानी अंग्रेज अनुरुद्दीन का मदद कर रहे थे और चंदा साहब का फ्रांसीसी मदद कर रहे थे, यानी भारतीय राजे रजवाड़ों के लिए ये दोनों आपस में भिड़ रहे थे, और इस वजह से यहां पर छिड़ जाता है
दूसरा कार्नेटिक वॉर। इस दूसरे कार्नेटिक वॉर का नतीजा क्या निकला, तो इस नतीजे को हम लोग समझेंगे। पहले मैं आपको एक एक करके दोनों सेगमेंट को साथ में लेते हुए पैरेलली लेते हुए चल रहा हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। नतीजा क्या निकला इन दोनों सेगमेंट को, कर्नाटक और हैदराबाद के दोनों के युद्धों को मैं पैरेलली लेके चल रहा हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। तो समझते हैं, 1749 का वक्त आता है और अम्बोर में एक युद्ध हो जाता है। ये अम्बोर वेल्लोर के पास था और यहां पर अनुरुद्दीन मारा जाता है और अनुरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली जान बचा के भाग जाता है। यह अनुरुद्दीन कर्नाटक युद्ध से था, यह मारा गया तो निसंदेह अब चंदा साहब कर्नाटक के गद्दी पर बैठेंगे। चंदा साहब बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं और उधर हैदराबाद में मुजफ्फर जंग जीत जाता है और नासिर जंग मारा जाता है। यानी यूं कह ले, नासिर जंग जिसका मदद अंग्रेज कर रही थी, यह अंग्रेजों वाला टीम हार गया फ्रांसीसियों वाले टीम मुजफ्फर जंग से। उसी तरीके से कर्नाटक में चंदा साहब नवाब बन जाते हैं, यानी कि अनुरुद्दीन हारा जाता है, अंग्रेजों वाला टीम हारा जाता है और चंदा साहब जो कि फ्रांसीसियों के टीम में से थे वो जीत जाते हैं। यानी कर्नाटक युद्ध के शुरुआत में हैदराबाद में भी और कर्नाटक में भी दोनों जगहों पर अंग्रेजों को शिकस्त दे दिए ये फ्रांसीसी। और अब कंक्लूजन ये निकला, रिजल्ट ये निकला कि हैदराबाद में अब मुजफ्फर जंग नवाब बन जाते हैं और कर्नाटक में चंदा साहब। नवाब बनते ही चंदा साहब को पता चलता है कि अनुरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली ये जान बचाकर भागा है और भाग करके त्रिचनापल्ली के किला में छुपा पड़ा है। चंदा साहब बोले इसे भी मार दिया जाए वरना आगे जाकर यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, और चंदा साहब त्रिचनापल्ली के किला की तरफ बढ़ जाते हैं उसे मारने के लिए। उधर रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों में से था, उसे एक अच्छा मौका दिखा, देखा कि कर्नाटक के किला में कोई भी सरदार नहीं है, कोई बादशाह नहीं है। उसने क्या किया, अपने हार का बदला लेने के लिए कर्नाटक के किला पर हमला कर दिया और किला पर हमला होते ही किलेदार, वहां के सिपाही, उन सबों को के बीच में यह मैसेज फैला दिया गया कि अभी तो हम लोग मात्र 500 सिपाही लेके आए हैं लेकिन पीछे से हजारों लाखों की संख्या में सिपाही आने की संभावना है। वहां के किलेदार, वहां के सिपाही डर गए कि जब यहां पर राजा है नहीं तो हम युद्ध क्यों करें। वो जान बचा के भाग गए और अंततः कर्नाटक के किला पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव का हुकूमत काबिज हो जाता है, वो उस किला पर कब्जा कर लेते हैं। ये बात जब कर्नाटक के उस वक्त के बादशाह को पता चलता है, ये बात जब चंदा साहेब को पता चलता है तो चंदा साहेब वापस पहुंचते हैं आरकोट, कर्नाटक का राजधानी आरकोट, अपने 4000 सिपाहियों के साथ, और आरकोट के किलों को घेराबंदी कर लेते हैं पूरे 53 दिनों तक, 53 डेज के लिए। और ये जो घेराबंदी हुआ, इस घेराबंदी के दरमियान ही अंग्रेज अपना मैसेज दे चुके थे और बहुत सारे भारतीय राजे रजवाड़े रॉबर्ट क्लाइव के मदद के लिए बढ़ चुके थे। मैसूर, तंजोर, मराठा, ये सभी अंग्रेजों के मदद के लिए, रॉबर्ट क्लाइव के मदद के लिए बढ़ चुके थे। चंदा साहब को यह पता चला कि मेरे खिलाफ इतनी बड़ी सेना आ रही है। चंदा साहब जान बचाने के लिए फ्रांसीसियों की मदद से भागता है और श्रीरंगपट्टनम के आइलैंड में जाकर के छुप जाता है। वहीं पर मोहम्मद अली पहुंचता है और वो बोलता है कि बाप का बदला, गद्दी का बदला, सबका बदला मैं लूंगा। और अंततः वो मोहम्मद अली चंदा साहब को मार डालता है और कर्नाटक का नवाब बन जाता है। यानी अंततः कंक्लूजन ये निकला है कि हैदराबाद में फ्रांसीसियों का मुलाजिम बैठा हुआ है और कर्नाटक में अंग्रेजों का पक्ष लेने वाला, अंग्रेजों का एक तरीके से कह लो मुलाजिम बैठा हुआ है। इस युद्ध में फ्रांसीसियों का बड़ा नुकसान हुआ। डुप्ले फ्रांसीसियों की तरफ से गवर्नर थे और इस युद्ध को लीड कर रहे थे
अंततः डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है और फ्रांसीसी सियासत के द्वारा डुप्ले को बहुत कड़ा सजा दिया जाता है और अंततः डुप्ले अपना जीवन जेल में बिताता और वहीं पर मर जाता है। तो इस तरीके से दूसरे कार्नेटिक युद्ध का हमें नतीजा देखने को मिला, लेकिन अभी भी ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध का पूर्ण विराम नहीं था और ये मात्र अल्प विराम था, क्योंकि एक और आखिरी युद्ध होना इन दोनों के बीच बाकी था, जिसे हम लोग नाम देते हैं तीसरा कार्नाटिक युद्ध, जो कि 1758 से 63 तक चला है। ये युद्ध का बैकग्राउंड है सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि प्रसा में हो रहा था, ऑस्ट्रिया में हो रहा था, जो कि 1756 से शुरू होता है और 63 तक चलता है। उसी युद्ध का नतीजा था ये। अब शुरू होता है तीसरा कार्नाटिक युद्ध, जो 1758 से 1763 यानी 1758 से 1763 तक चलता है। इस युद्ध का कारण क्या बना? इस युद्ध का कारण भी था ऑस्ट्रिया में होने वाला अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच का झगड़ा, जिसका असर हमें डायरेक्ट भारत पर दिखता है। लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा बैकफुट पर जाऊंगा और कुछ और बताऊंगा। कहानी ये स्टार्ट होता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद से। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में और उसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का इनडायरेक्टली हुकूमत आ चुका था। अंग्रेज बंगाल में काफी ताकतवर हो चुके थे, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे, अंग्रेजों के कठपुतली बन चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों ने ही प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था और अब अंग्रेज बंगाल के नवाब को कंट्रोल कर रखे थे, यानी पूरे बंगाल पर अब अंग्रेजों का हुकूमत चल रहा था पर्दा के पीछे से। यहां काउंट डी लाली, जो कि उस वक्त विजयनगर में संत डेविड और विजयनगर को कब्जा कर लेता है, जिस पर कि अंग्रेजों का कभी अधिकार हुआ करता था, अंग्रेज भी तो एक तरफ बंगाल अब कब्जा में आ चुका है अंग्रेजों के, और अंग्रेज बंगाल में चंद्रनगर पर कब्जा कर लेते हैं। और याद हो कीजिए, वो चंद्रनगर वही इलाका है जो कि फ्रांसीसियों का था। चूंकि अंग्रेज फ्रांसीसियों के चंद्रनगर पर कब्जा किए, तो रिप्लाई के लिए काउंट डी लाली, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, वो अंग्रेजों के सेंट डेविड और विजयनगर पर कब्जा कर लेता है। इसके रिप्लाई में फिर अंग्रेज अटैक करते हैं और अटैक करते हैं मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में जो हमला हुआ और उसकी वजह से एक युद्ध छिड़ता है, जिसे हम लोग वांडीवास का युद्ध कहते हैं। ये वांडीवास का युद्ध तमिलनाडु में हुआ था, 1760 में ये शुरू होता है। एक तरफ काउंट डी लाली फ्रांसीसियों की तरफ से, जनरल आयरपोर्ट अंग्रेजों की तरफ से, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। 8 महीने तक ये युद्ध चलता है और अंततः फ्रांसीसी हारे जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं और लास्टली इन दोनों के बीच एक ट्रीटी होता है। और ट्रीटी यही था कि अब हम भारतीय राजे रजवाड़ों के युद्ध में नहीं भिड़ेंगे, उस ट्रीटी को वापस से रिवाइव किया जाता है। ये ट्रीटी तो दूसरे कार्नेटिक युद्ध के बाद ही हो गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, कि अब हम कभी किसी भारतीय राजे रजवाड़ों के वजह से या उनके लिए आपस में नहीं लड़ेंगे। उस ट्रीटी को रिवाइव करने का मौका यहां पर आता है कि अब हम भारत में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, इससे हम दोनों का नुकसान है। और ये संधि होता है पेरिस में, इसलिए इसे पेरिस की ट्रीटी कहते हैं या पीस ऑफ पेरिस ट्रीटी भी बोलते हैं। और इस तरीके से हमें एक चीज तो साफ पता चल गया कि अंततः अंग्रेज हारे जाने के नौबत में कभी नहीं आए। इस चीज से हमें एक बात तो पता चल गया कि अंततः कि ये फ्रांसीसी हारे गए और अंग्रेज जीते गए, और अंग्रेज समय दर समय अपने शक्ति को अपनी ताकत को भारत में बहुत अधिक बढ़ा चुके थे, और यहां पर इन फ्रांसीसियों के सामने अंग्रेज बहुत ऊंचे उठ चुके थे। अब अंग्रेजों को हटा पाना झुका पाना संभव नहीं था, क्योंकि अंग्रेज केवल अपनी यूरोपीय शक्ति से नहीं लड़ रहे थे, वो एक तरफ भारतीय ताकत से लड़ करके भी भारत पर कब्जा करने का मुहिम पहले ही छेड़ चुके थे, जिसका हमें पहला एग्जाम्पल दिखता है प्लासी का युद्ध,
जिसमें बंगाल अंग्रेजों के अधीन आ चुका था और बक्सर का युद्ध होते ही काफी अधिक पावर अंग्रेजों के हाथ में आएगा और कुछ समय बाद पूर्णतः बंगाल अंग्रेजों के हाथ में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख चुके हैं कि अंग्रेजों का शुरुआत कैसे हुआ है। आगे के वीडियोज में और भी कहानी पता चलेगा, तो अगर इस तरह की कहानी को और भी जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल अमितोपीडिया को। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें, और हमारे बाकी सोशल मीडिया से भी आप जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन आप में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा और बाकी आपको आगे स्क्रीन में भी दिखेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।